शैम्पू में मिला के सिर्फ दो चीजें लगाइए दोस्तों, आपका बाल जो है बेहद काला घना मुलायम हो जाएगा, आपके बालों से रिलेटेड हर एक समस्याएं जो है दूर हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन DIY लेकर के आई हूँ, जिसकी मदद से आपके बाल जो है नेचुरली रूप से काले होंगे, घने होंगे, मुलायम होंगे। आपके बालों में अगर किस तरह की कोई समस्याएं होंगे, जड़ों से रिलेटेड कोई समस्याएं होंगी, सभी के सभी दूर हो जाएंगे। बेहद खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया आज का DIY होने वाला है। अच्छा लगा आज का ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मैजिकल हेयर DIY, लेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज का मैजिकल हेयर DIY बनाने के लिए सबसे पहला सामग्री जो हम लेंगे ये हमारा है चाय का पत्ती। चाय के पत्ती के इसके पहले भी मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी DIY शेयर किए हुए हैं, आज का DIY भी बहुत ही ज्यादा खास है। चाय का पत्ती ऑलरेडी नेचुरल रूप से ब्राउन होता है, तो ये हमारे बालों को काला करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपके जड़ों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है बालों में बहुत ज्यादा इचिंग होता है, हमारे बाल अंदर से खुजली होता है, यानी कि अभी गर्मी का टाइम है, इस टाइम पे हमारे बालों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है इचिंग की प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा होते हैं, रूसी जिसको बोलते हैं, अजीब सा पसीने से स्मेल करता है, तो इन सभी चीजों से आपको जो है ये छुटकारा दिलाएगा। दूसरा सामग्री मैंने लिया है ये हमारा है कॉफी। कॉफी में दोस्तों कैफीन होता है, जो कि हमारे बालों को नेचुरली रूप से काला करने में बेहद हेल्प करता है। तो पहला सामग्री हमने लिया है चाय का पत्ती, और उसमें हमने लगभग आधा चम्मच कॉफी मिला दिया है। कॉफी के तो आपको पता है बहुत ही फायदे होते हैं हमारे स्किन के लिए भी, हमारे बालों के लिए भी। स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी अच्छी DIY मैंने मेरे चैनल पे डाली हुई है, बालों से रिलेटेड भी आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि कॉफी को इस तरीके से आप चाय पत्ती के पानी में मिला करके अपने बालों पर लगाओगे ना, तो आपके बाल नेचुरल रूप से काले होंगे, बालों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर करने में कॉफी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे चाय पत्ती और कॉफी को डाल के हमने लगभग पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है, खौला लिया है लगभग 3 से 4 मिनट तक। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पानी को स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है छन्नी की मदद से, जिससे इसके अंदर चाय पत्ती वगैरह हो वो आराम से निकल जाए। तो बहुत ही मतलब कम सामग्री में और घर के में मौजूद सामग्री से आप जो है ये वाला DIY बना सकते हैं। अब जो हमने डालना है ये हमारा है नींबू। नींबू का रस दोस्तों हमारे बालों के लिए वरदान होता है, डैंड्रफ से रिलेटेड हर एक समस्याओं को दूर करता है, बालों में खुजली होता है, विटामिन सी होता है जो कि हमारे बालों में खुजली वगैरह को दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, डैंड्रफ को हटाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, आपके बालों पे एक लेयर चढ़ा देता है जिससे आपके बाल बेहद स्मूथ खूबसूरत हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें जो मिक्स करेंगे वो हमारा है शैम्पू। तो शैम्पू को भी हर्बल शैम्पू यूज करें, नेचुरल रूप से जिसमें ज्यादा केमिकल वगैरह ना हो, कोशिश करें वैसे शैम्पू इस्तेमाल करें जो कि आपके बालों के लिए अच्छा हो, आपके बालों में किस तरह का कोई साइड इफेक्ट ना करे, तो वैसा शैम्पू लें। तो मैं यहाँ पे पाउच वाले दो शैम्पू ली हूँ मेरे बालों की लंबाई के हिसाब से, आपके बालों की लंबाई अगर थोड़ी छोटी है तो एक पाउच में भी हो जाएगा, वैसे आप जो शैम्पू यूज करते हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही इस्तेमाल करना है। तो 2 से 3 सामग्री मिलाना है आपको शैम्पू में। प्लेन शैम्पू अक्सर लोग लगाते हैं, तो उसके पहले ये वाला DIY बनाइए, अपने बालों पर इसको अच्छे से अप्लाई करना है। तो शैम्पू को यहाँ पे हमने डाल दिया है चाय पत्ती और कॉफी वाले पानी में, नींबू मिक्स किया है। तो सभी के सभी जो सामग्री हमने लिया है नेचुरली आपके घर पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, और इससे यकीन मानिए आपके बाल बेहद खूबसूरत हो जाएंगे दोस्तों। तो शैम्पू डालने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से, बहुत ही अच्छे से इसके अंदर देख सकते हैं फेन हो चुका है। तो इसी शैम्पू को जो है आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों बालों पर अप्लाई करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं शैम्पू लगाते हैं और लगाने के तुरंत बाद ही शैम्पू क्या करते हैं बालों को वॉश कर लेते हैं, लेकिन आज का ये DIY आपको क्या करना है अपने बालों पे रखना है लगभग 5 से 7 मिनट तक लगा करके। मैं आपको बताती हूँ वीडियो के आगे में। तो जितनी भी सामग्री हमें ली है दोस्तों वो सभी सामग्री आपको इजिली किचन में मिल जाएगा। चाय का पत्ती अक्सर लोग चाय पीते हैं, हर घर में पीते हैं, कॉफी भी मिल ही जाता है, और नींबू रहता ही रहता है। तो इन तीनों चीजों को अच्छे से आपको क्या करना है मिक्स कर लेना है शैम्पू के अंदर में, और फिर इस तरीके से आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है। तो लगाना है आपको जरों से, जैसे कि आप नॉर्मली शैम्पू करते हैं, पहले हल्के बालों से अपने बालों को अच्छे से साफ कर ले, बाल आपके क्लीन होंगे तो भी तभी कोई भी DIY जब मैं बताती हूँ वो इफेक्टिव होगा। तो इस तरीके से शैम्पू को आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक अपने बालों पे इसको लगा के छोड़ना है, ताकि जितने भी हमने सामग्री यूज किए हैं सबके सब आपके बालों को बहुत ही अच्छे से फायदा पहुंचाए, और अच्छे से बाल को क्लीन करें। क्लीन करने के बाद पहली बार के इस्तेमाल से ही दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा फर्क दिखेगा,
बालों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में आज का डीआईवाई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। वैसे जितने भी डीआईवाईज मैं बनाती हूँ सबके सब मैं अपने आप अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ, अपने पे ट्राई करती हूँ, फिर आपके सामने जो है उसका वीडियो बनाती हूँ। तो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बालों को बहुत ही खूबसूरत काला घना मुलायम करने में हेल्प करते हैं, बालों से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने में हेल्प करते हैं। तो आप भी अपने घर पे इसको जरूर ट्राई करिएगा, सभी सामग्री आपको इजिली घर पे मिल जाएगा। तो अच्छा लगा आज का ये डीआईवाई दोस्तों, तो बताएं जरूर कमेंट्स करके। इस और भी वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें। तो आप सबसे फिर से मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।